मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। आरजेडी को घेरने के चक्कर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की जुबान फिसल गई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय राजद को धूल चटाने के चक्कर में एनडीए को ही धूल चटाने लगे। मैं पटना में कहा हूं कि 2025 में तेजस्वी को राजनीति के अखाते से बाहर करेंगे, एनडीए गठबंधन को धूल चटा देंगे, धूल चटा देंगे। अरे अरे रुकिए मंत्री जी, सोच समझ कर नहीं बोलेंगे तो जुबान ऐसे ही लड़खड़ा जाएगी। यूं तो जुबान फिसलना कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात ही है, हर किसी की फिसलती है। लेकिन राजनीतिक टिप्पणी करते हुए अगर आपकी जुबान फिसली तो लोग मजे लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। एक बार फिर से सुनिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आरजेडी को घेरते घेरते क्या बोल गए। और मैं पटना में कहा हूं कि 2025 में तेजस्वी को राजनीति के अखाते से बाहर करेंगे, एनडीए गठबंधन को धूल चटा देंगे, धूल चटा देंगे। आज मैं यहां खड़ा होकर एनडीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय एनडीए को धूल चटाने की बात कहने लगे। बताइए जरा, नित्यानंद राय तीसरी बार चुनाव जीतकर सांसद बने तो केंद्र सरकार में फिर से बने मंत्री। जीतने के बाद मंत्री बनने पर नित्यानंद राय बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा चेहरा बनकर उभरे। यादव समुदाय से आने वाले नित्यानंद राय इन दिनों सीधे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान जोश जोश में नित्यानंद राय अपने गठबंधन का ही नाम भूल गए और एनडीए को ही धूल चटाने लगे। और मैं पटना में कहा हूं कि 2025 में तेजस्वी को राजनीति के अखाते से बाहर करेंगे, एनडीए गठबंधन को धूल चटा देंगे, धूल चटा देंगे। आज मैं यहां खड़ा होकर दरअसल सांसद चुने जाने के बाद नित्यानंद राय पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र उजियारपुर पहुंचे थे। फातेपुर में मंत्री नित्यानंद राय के स्वागत अभिनंदन का समारोह चल रहा था, लेकिन इस समारोह में नित्यानंद राय तेजस्वी यादव पर हमले के दौरान भाषाई सीमा को लांघते दिखे और तेजस्वी यादव को रावण बता दिया और आरजेडी को नानी याद दिलाने जैसे शब्द कह डाले। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प,
फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।